मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान और यमी रेसिपी लेकर आए हैं जो अमूमन बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद है। बड़ों को भी ख़ास तौर पर पसंद है, क्यों? क्योंकि बड़ों के अंदर भी तो एक बच्चापन छुपा हुआ होता है ना। ये देखिए, बेसन मैंने कम लिया है, इतना ही लेती हूँ, ज़्यादा बचे नहीं, बस देने में थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाए और अभी के अभी यूज़ में आ जाए। और अब इसमें मुझे कोई इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। नमक देखें, बस वो ज़रूरत लिया मैंने मामूली सा। चुटकी हमने सोडा लिया है, बिल्कुल मामूली सा। आधी चमची हमने ज़ीरा लिया है, ज़ीरा साफ है बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर डालने अच्छा लगेगा। जितना ही हमने सोडा लिया था उतनी ही हमने हल्दी ली, ज़रा कलर खूबसूरत आएगा ना, खिलता हुआ तो अच्छा लगेगा। लाल मिर्च है कुटी हुई, ये थोड़ी सी वो डाल देते हैं, यानी कि ये समझ लें आप एक चम्मच डाल दीजिए। ओके, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें आराम, इस पर हम आप पानी ऐड करते हैं। पानी स्लो स्लो डालिएगा, ज़रा मुझे थिक चाहिए। माशाल्लाह से आइडियल हुआ है हमारे लिए, इतना ही हमें चाहिए था, माशाल्लाह से बिल्कुल सही हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। वैसे छना हुआ बेसन है, इसमें मोटी मोटी बूंदी टाइप की गुटलियाँ नहीं पड़ेंगी। ये देखें, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से हल करके कम से कम मैं 20 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। जी हाँ, आलू के पकौड़े। अब हमने इसमें क्या करना है, आलू साफ सुथरे काट के गोल ले लें, लंबे ले लें, जैसा आपका दिल चाहे इसके अंदर यूँ डीप करना है। ये देखिए हल हो गए ना, इसी तरह ऐड करके हम इसको ऐड कर लेते हैं सारे। ये इसके अंदर चले गए बिल्कुल, इसको हम मिक्स करके ऐसे रख देते हैं 10 मिनट। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये देखें हमारे पूरे 20 मिनट हो गए इसके। फ्राई पैन हमने रख दिया, चूल्हे का फ्लेम रेडी हो गया है। अब जरा क्विक काम करें, क्विक काम करते हैं हम। और क्विक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑयल डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। जितना आपने लेना है ऑयल, मैंने आपको कहा ना, स्लो मतलब कम ऑयल से भी फ्राई हो सकते हैं, ज़्यादा ऑयल से भी फ्राई हो सकते हैं। ये गर्म हो गया है और ये भी हमारे बेसन को हमने क्या करना है, ऐसे करके अच्छी तरह से ऐसे करके मिक्स किया इसमें, ठीक। अब हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे सबको इसी तरह। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखना है, ये याद रखिएगा। अच्छी तरह से गोल्डन कलर लेने देना, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में लेकिन खूबसूरत हो गए इंशाल्लाह। तो इसको हम होने देते हैं। ये देखें नीचे से हो रहा है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त हो रहा है इसके पास। अब ये देखें, एक पलटते हैं, हो गया है इंशाल्लाह। यस, अब बाकी हम सबको फिर पलट देते हैं तमाम को। ये देखें तमाम को मैंने पलट लिया है, ज़बरदस्त हो गया है चूल्हा भी हमारा, इसको और मज़े से लोग कर रहे हैं। देखिए खूबसूरत कलर आ रहा है ना, अभी अंदर तक गल जाएंगे। वैसे भी सोडा डाल रहा है कि क्या कहते हैं, आलू जल्दी गल जाते हैं, तो चूल्हा से रखा है। चलिए ये तो बन गया है, अब हम आपको चलते हैं इसको आगे का क्या करना है हमें। देखिए हमारे पालक आ गए हैं, बाकी का जो बेसन था हमने इसलिए ज़्यादा लिया था। अब हम ये पालक के आपको साबुत पालक के पकोड़े खिलाएंगे। ओके, चलेंगे इसको भी हम इसी तरह करेंगे, तरीके से इसके अंदर यूँ डिप करेंगे, फ्राई करने चलते हैं। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतना खूबसूरत लीफ बना हुआ है पूरा, और अब ये खाने में इतना क्रिस्पी और होगा जायकेदार। और आपको पता है ना पालक में आयरन होता है, वैसे इस टाइम में रोजे से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये देखें इस तरह, बस जितने जितने आए फिर फ्राई करें। और माशाल्लाह अलानामा किचन की रेसिपी फुल रेडी हो गई, अब हम इसको पलट रहे हैं। ओके, इसको ऐसे ऐसे करके तमाम को पलट लेते हैं।
वाओ माशाल्लाह, वमुना किचन की रेसिपी रेडी हो गई है। चले भी दस्तखान पे सजाते हैं आपके साथ। दुआ में याद रखें वमुना किचन को। इंशाल्लाह फिर आपके साथ नई रेसिपी में मिलते रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। वमुना किचन की रेसिपी बिल्कुल यमी यमी सी। जल्दी से दुआ करें, दस्तखान पे सजाएं, अपने किचन की रौनक बख्शें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी में।